नमस्कार, आज हम चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन के सफर पर, जो कि मालवा के विशालकाय विंध्याचल पर्वतों के बीच में से निकलता है। इस सफर में आपको नदियों और झरनों के मनोरम दृश्य भी देखने को मिलेंगे, साथ ही टनल्स यानी बोगदों के बीच में से गुजरने का रोमांच भी मिलेगा। इस सफर के दौरान इस खूबसूरत ऐतिहासिक रेलवे के इतिहास की जानकारी मैं यानी आपका होस्ट पीयूष सोनो ने आपको देते चलूंगा। तो दोस्तों, इस रेलवे की शुरुआत महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। उस समय इंदौर की कपड़ा मिलों की मशीनें और निमाड़ में उगने वाला कपास हाथियों और बैलगाड़ियों में लदकर इंदौर आता था। महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने निमाड़ के प्रमुख शहर खंडवा से इंदौर होकर राजपुताना तक रेलवे लाइन डालने का प्रस्ताव सन 1863 में ही अंग्रेजों के सामने रखा था, पर विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ और नर्मदा नदी को अंग्रेजों ने एक बड़ी बाधा बताया था इस रेलवे परियोजना के लिए और कहा था कि इस परियोजना पर बहुत खर्चा आएगा। यहां आपको यह बता दूं कि पुणे से खंडवा के बीच में रेलवे लाइन सन 1858 में ही शुरू हो गई थी। फिर सन 1869 में इंदौर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने रेलवे लाइन डालने के काम के लिए अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए का लोन देने की पेशकश की, जो कि आज के समय के सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर होगा। और इस लोन को चुकाने की शर्त भी बड़ी आसान रखी। यह लोन अंग्रेजों को 101 साल में चुकाना था। होलकर स्टेट और अंग्रेजों के बीच हुए इस एग्रीमेंट के अनुसार अंग्रेजों ने इस लोन की रकम पर 4.5% वार्षिक दर से ब्याज देना स्वीकार किया तथा इस रेलवे ट्रैक से होने वाले शुद्ध मुनाफे का आधा हिस्सा भी होलकर स्टेट को देना स्वीकार किया। पर इस रेलवे का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अंग्रेजों के पास ही रहेगा, ऐसा करारनामा हुआ। ऐसा करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी, इसे हम आगे के वीडियो में जानेंगे। अंग्रेजों और होलकर स्टेट के बीच इन शर्तों पर आधारित यह एक ऐतिहासिक करार था, जिसमें पहला क्लॉज यह था कि होलकर स्टेट ने माना कि महाराज रेलवे लाइन और स्टेशन के निर्माण में आने वाली सारी जमीन मुफ्त में देंगे, रेलवे की जमीन किसी भी अन्य काम के लिए नहीं दी जाएगी। और दूसरा क्लॉज यह था, रेलवे की जमीन पर होने वाले अपराध पर फैसला या न्याय करने का अधिकार अंग्रेजों के पास ही होगा। तीसरा क्लॉज ये था कि होलकर रेल से होने वाले ट्रांसपोर्ट पर ट्रांजिट ड्यूटी नहीं ले सकेंगे। अब ये तीन बातें तो होलकरों ने मानी, अब अंग्रेजों ने भी कुछ शर्तें मानी थी, जिसमें पहली शर्त ये थी। अंग्रेजों ने माना कि रेलवे के क्षेत्र में शरण ले रखे सभी होलकर राज्य के अपराधियों को वह राज्य को सौंप देंगे, पर यदि अपराधी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे तो उन्हें अंग्रेज सरकार होलकर राज्य को देने के लिए बाध्य नहीं होगी। दूसरा, रेलवे के क्षेत्र में होने वाले अपराध के लिए होलकर राज्य को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, सिवाय ऐसे अपराधों के कि जिनमें होलकर राज्य के निवासी शामिल हो। तीसरा, कुछ विशेष मामलों में रेलवे की सीमा में हुए अपराध पर भी होलकर सरकार फैसला सुना सकती है। दोस्तों, हमारे आज की भी जो रेलवे पुलिस है और जो हमारे राज्य की पुलिस है, यह अलग अलग है। तो इसकी बुनियाद अंग्रेजों के समय और जो प्रिंसली स्टेट थी उनके बीच इस तरह के करार के ऊपर ही इसकी बुनियाद पड़ी थी। यहाँ होलकर सरकार ने रेलवे के कंस्ट्रक्शन के काम में उपयोग आने वाले रॉ मटेरियल एवं सामान पर रॉयल्टी वसूलना चाही, पर ब्रिटिश सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। और फिर कुछ समय के बाद ब्रिटिश सरकार के मध्य भारत के एजेंट सर हेनरी डेली, जिनके नाम पर इंदौर का प्रसिद्ध डेली कॉलेज भी है, उन्होंने अपने इंजीनियरों के द्वारा रेलवे के निर्माण कार्य पर सर्वे सन 1870 में शुरू करवाया। इस गहन सर्वे में कई रास्तों पर विचार किया गया जहां पर रेलवे लाइन डाली जा सकती थी, पर इस मार्ग में आने वाली पहाड़ियों का ढलान काफी तेज था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए
चोरल से बलवाड़ा तक के हिस्से में पहाड़ी की एक ओर लाइन डालते हुए घुमावदार चक्करों में से होते हुए दूसरी ओर जाने का रास्ता चुना गया। यह प्रस्ताव मंजूर हुआ और बहुत ही जल्द इस काम के लिए टेंडर बुलाए गए। इस सर्वे अभियान के प्रमुख मिस्टर क्रॉफोर्ड कैंपबेल थे। निर्माण कार्य में सहूलत के मुताबिक पूरी लाइन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। फर्स्ट डिवीजन में खंडवा स्टेशन से मोरटका के पास मोरघारी तक, सेकंड डिवीजन में मोरघारी से बलवाड़ा तक, थर्ड डिवीजन में बलवाड़ा से महू के पास चोलिया गांव तक और फिर फोर्थ डिवीजन में महू के चोलिया गांव से इंदौर तक रेलवे लाइन डालने का काम रखा गया। दोस्तों, इस निर्माण परियोजना के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन का काम बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। इसमें ब्रिटिश इंजीनियरिंग के साथ साथ इस योजना में काम कर रहे लोकल मजदूर और सहायकों की भी कड़ी परीक्षा हुई। जहां प्राकृतिक रूप से यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ों, उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, साथ ही साथ यहां नदी नालों के रूप में कई जल धाराएं भी बहती थी, इसलिए पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ा। कई छोटे बड़े पुलों का निर्माण हुआ, जिसमें सेकेंड डिवीजन में बना नर्मदा नदी का पुल, जिसे होलकर नर्मदा ब्रिज कहा जाता है, उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। इस पुल का निर्माण सन 1872 में इंजीनियर जेम्स रैमजी की सरपरस्ती में हुआ था। हालांकि बाद में और भी कई इंजीनियर्स आए। मई 1874 में इंजीनियर श्री अलेक्जेंडर, तो अक्टूबर सन 1874 में मिस्टर आइजेट यहां पर अपने इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने आए। अक्टूबर सन 1876 में यह पुल बनकर तैयार हो गया। सर हेनरी डेली और महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्हें तोपों की सलामी दी गई और इस पुल का जो आखिरी गार्डर था उस पर चांदी की रिबिट ठोकी गई। इसके आगे के चरण में पहाड़ों में छेद करके कई बोगदे बनाए गए, जिसमें से आज भी जब रेल गुजरती है तो यात्रियों को एक रोमांच महसूस होता है। इस ट्रेन पर कालाकुंड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहाँ पर ट्रेन के इंजन बदले जाते थे। इस ट्रेन में एक इंजन आगे की ओर तो एक इंजन पीछे की ओर लगता था। जिन लोगों ने इस ट्रैक पर यात्रा की होगी, उन्होंने कालाकुंड का प्रसिद्ध कलाकंद तो जरूर खाया होगा। फिर चोरल के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच बोगदों में से निकलते हुए यह रेलवे लाइन पहाड़ों के किनारे किनारे ऐसी डाली गई थी कि जिससे महादेव कुंड यानी पाताल पानी के झरने का विहंगम दृश्य ट्रेन से ही दिख जाए। खंडवा से 73 मील का फासला तय करते हुए यह रेलवे ट्रैक महू तक आता है। महू सैनिक छावनी के बाद इंदौर तक जो रेलवे ट्रैक डालने का रास्ता था, वह इतना कठिन नहीं था जितना कि पिछले चरण में था। महू के बाद राउ स्टेशन, जो कि इंदौर का उपनगर है, वह आता है। अब यहाँ तक जो ट्रेन चढ़ाई करते हुए समुद्र तल से लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर आ जाती है, अब राउ से इंदौर की तरफ का जो रेलवे ट्रैक है, यह इंदौर की तरफ ढलान लिए हुए है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है कि इस रेलवे लाइन के निर्माण का ठेका मेसर्स हुड, विंटन मिल्स और ऑग कंपनी को दिया गया था, पर बाद में उनकी काम की सुस्त रफ्तार के कारण उनसे यह ठेका वापस लेकर अंग्रेजी सरकार ने यह काम अपने हाथों में ले लिया था। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में रॉ मटेरियल की भी दिक्कत आई, जिसके लिए अलग से एक छोटा ट्रैक बिछाना पड़ा। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के निर्माण के समय जंगली जानवरों जैसे बाघ एवं तेंदुए के हमले के कारण भी कई सारे लोग घायल हुए और मारे गए। खैर, सारी कठिनाइयों के बावजूद सन 1878 में यह रेलवे लाइन इंदौर में आ पहुंची। पर यदि टनल नंबर 2 में दुर्घटना नहीं हुई होती तो यह काम 1877 में ही हो गया होता। पर दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर से चलने वाली पहली ट्रेन खंडवा इंदौर रूट पर नहीं चली थी। जी हाँ, बल्कि इससे पहले 24 जुलाई 1874 में इंदौर और उज्जैन के बीच पहली ट्रेन चली थी। यह नीमच स्टेट रेलवे की थी, जो कि आगे रतलाम और फिर राजपुताना तक जाती थी। रतलाम उस समय अफीम की एक बहुत बड़ी मंडी था। जी हाँ, और इसी अफीम को बेचकर मालवा के व्यापारी करोड़पति हो गए थे। यहीं से अफीम चीन भेजा जाता था, जिससे चीन बर्बाद हो गया था। आपने ओपियम वॉर के बारे में तो सुना ही होगा। यदि नहीं जानते हो तो इसकी चर्चा हम भविष्य में आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इस योजना का मसौदा
इसी तरह से क्यों तैयार किया था, उसकी शर्तें ऐसी क्यों डाली थी, क्या अंग्रेजों के दिल में कोई खोट था। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लिए गए कर्ज पर महाराज को 4.5% एनुअल रेट से ब्याज और रेलवे ट्रैक से होने वाले शुद्ध मुनाफे का आधा हिस्सा भी अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया था। पर सन 1918 तक महाराज को अंग्रेजों की तरफ से लाभ का कुछ भी पैसा नहीं दिया गया। कहते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर इस रेलवे ट्रैक को घाटे में रखा और महू और इंदौर के यात्रियों को मजबूर किया कि वह रतलाम होकर मुंबई जाए, जिसका मुनाफा सीधा अंग्रेजों को जाता था। अंग्रेजों को तो इस रेलवे ट्रैक से फायदा ही हुआ, क्योंकि मध्य भारत की सबसे बड़ी सैनिक छावनी यानी महू से अब उनकी सेनाएं आसानी से दक्षिण तथा उत्तर भारत में जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि जनता को इस रेलवे ट्रैक से फायदा नहीं हुआ, पर फिर भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही रेलवे ट्रैक बिछाया था। दोस्तों, वैसे तो आजकल बुलेट ट्रेन मेगलेव का जमाना है, पर हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने इस रेलवे ट्रैक के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान रखते हुए आज भी वीकेंड्स पर यहाँ पर पाताल पानी से लेके कालाकुंड तक हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है। तो दोस्तों, आप भी जरूर सैर कीजिएगा और आनंद उठाइएगा प्राकृतिक दृश्यों से भरी मालवा के इतिहास की इस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।